बालासोर में रेल हादसे के बाद रेलवे ट्रैक की मरम्मत पूरी हो गई है। डाउन लाइन के सही होने के बाद ट्रेनों का आवागमन शुरू हो गया है। रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम पूरा होने के बाद रेल मंत्री ने काम में जुटे सभी लोगों को शुक्रिया किया, कहा कि भारत माता की जय के लगवाए नारे। डाउन लाइन से यातायात शुरू होने पर रेल मंत्री का बयान, कहा दोनों ट्रैक को 51 घंटे के अंदर फिर से आवाजाही के लिए किया गया बहाल। ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों को याद कर भावुक हो गए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कहा जिन परिवारों ने परिजनों को खोया है उन तक जल्द मदद पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। बालासोर ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की। सीबीआई जांच की सिफारिश पर बोले रेल मंत्री, कहा रेलवे बोर्ड ने हादसे की आगे की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया है। ट्रेन हादसे मारे गए लोगों के बारे में जानकारी के लिए जारी किए गए हैं हेल्पलाइन नंबर 0674253402 और 8455889917 नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं पूरी जानकारी। ट्रेन हादसे मारे गए 170 लोगों के शव भुवनेश्वर के अस्पतालों में रखे गए हैं। एम्स आमरी कैपिटल, किम्स और हाईटेक अस्पताल में रखे गए शव। ओडिशा सरकार ने वेबसाइट में डाली अज्ञात शवों की तस्वीरें, पीड़ित परिजनों से www.bmc.gov.in में जाकर पहचान की अपील की गई। बालासोर रेल हादसे में अभी तक 275 लोगों की मौत हुई, 88 लोगों के शव परिवार वालों को सौंपे गए हैं, ज्यादातर घायल अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। राहुल ने बालासोर हादसे को लेकर बीजेपी पर कसा तंज, कहा कि अगर ट्रेन हादसे पर बीजेपी से सवाल पूछा जाए तो हादसा क्यों हुआ तो वो कहेगी कांग्रेस ने 50 साल पहले किया था। रेल मंत्री के इस्तीफा ना देने पर राहुल ने कसा तंज, कहा हमारी सरकार में जब ट्रेन हादसे हुए तो हमने अंग्रेजों को गलत नहीं ठहराया, हमारे मंत्री ने जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दिया। राहुल ने न्यूयॉर्क भारतीय समुदाय को किया संबोधित, कहा बीजेपी बहाना बनाती है, गलती नहीं स्वीकारती, वो देश में नफरत फैला रही है, हम मोहब्बत फैला रहे हैं। बालासोर ट्रेन हादसे पर राहुल गांधी ने रेल मंत्री का मांगा इस्तीफा, कहा मोदी सरकार जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, पीएम को रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएजी को लेकर केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, कहा राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष की फंडिंग 79% क्यों कम की गई। बालासोर ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री का बड़ा बयान, कहा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव की वजह से यह हादसा हुआ। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हादसे के गुनहगारों की पहचान हुई है, जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। बालासोर ट्रेन हादसे पर रेलवे बोर्ड का बड़ा बयान, कहा कि सिग्नल खराबी की वजह से हुई दुर्घटना, कवच भी नहीं रोक सकता था हादसा। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे एनडीआरएफ के जवानों से एनडीआरएफ के डीजी ने बातचीत की है, एनडीआरएफ ने 44 लोगों को जिंदा बचाया। ट्रेन हादसे में मौत के आंकड़े को लेकर ममता बनर्जी का केंद्र पर निशाना, कहा कि केंद्र सरकार मौत के आंकड़े को घटा रही है, इतिहास बदलने वाले कुछ भी बदल सकते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि ट्रेन हादसे में घायल हुए 60% लोगों की हालत गंभीर है, केंद्र सरकार बातें ज्यादा काम कम करती है। सीएम ममता बनर्जी ने रेल मंत्री पर साधा निशाना, कहा कोरोमंडल और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस में एंटी कोलिशन डिवाइस क्यों नहीं था, रेलवे को सिर्फ बेचने के लिए छोड़ दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ममता बनर्जी को दिया जवाब, कहा इस हादसे का कवच से संबंध नहीं है, जांच से जवाबदेही तय होगी। बालासोर ट्रेन हादसे में अभी तक बंगाल के 62 लोगों की मौत हुई है, ओडिशा में बंगाल के रहने वाले 73 लोगों का इलाज जारी है, 56 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। रेल हादसे में अभिभावकों को खोने वाले बच्चों के लिए उद्योगपति गौतम अडानी का बड़ा ऐलान, कहा पीड़ित बच्चों की स्कूली शिक्षा का खर्च उठाएगा अडानी समूह।